शिवपुरी शहर के पुराने यातायात थाने के पास साइकिल पर सवार होकर कोचिंग पढ़कर घर की ओर लौट रही कक्षा 12वीं की छात्रा को पुलिस वैन ने रौंद दिया। इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस वैन मौके से फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक होटल पीएस के पास की रहने वाली 17 वर्षीय सरस्वती यादव 12वीं कक्षा की छात्रा थी। सरस्वती यादव आज सुबह 9 बजे के लगभग राजेश्वरी रोड स्थित कोचिंग सेंटर से कोचिंग पढ़कर अपने घर साइकिल पर सवार होकर लौट रही थी। जब वह पुराने यातायात थाने से होकर गुजर रही थी, इस दौरान एक तेज रफ्तार पुलिस वैन ने छात्रा में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। इस हादसे में छात्रा ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शी राहुल भार्गव ने बताया कि यह हादसा उसकी आंखों के सामने हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस वैन के ड्राइवर ने वाहन को नहीं रोका और मौके से फरार हो गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। श्याम यादव। अच्छा जी, अभी एक्सीडेंट हुआ है क्या? कुछ घटनाक्रम था? ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, पुलिस की गाड़ी से। पुलिस की गाड़ी थी जी। क्या हुआ है? लड़की का नाम क्या? सरस्वती यादव है, ग्राम अतवेश है। जहाँ कोचिंग जा रही थी तो ड्राइवर की गलती से उस गाड़ी चढ़ गई, मृत्यु हो गई। लड़की पैरेलल थी या कोई? साइकिल से थी। साइकिल से, ड्राइवर की गलती है, पुलिस वाहन। हाँ, कौन सा वाहन था, कौन सा थाने? बड़ी गाड़ी है, खड़ी है बस। पुलिस वाहन जी। अभी कोई आर्थिक सहायता मिली? अभी आर्थिक सहायता आश्वासन दिया है, अभी कुछ दिया नहीं है। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने दिया 1,00,000 रुपया अभी डलवा रहे हैं, कि वो तहसीलदार साहब बोल गए थे अभी अकाउंट में डलवा रहे हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। ड्राइवर कहाँ है अभी? पता नहीं, इनको पता होगा पुलिस वालों को। पुलिस वालों को किसी ने नहीं बताया कौन है क्या पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।